माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑनलाइन शुभागमन हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से सादर प्रणाम और उनकी उत्साहवर्धक उपस्थिति के लिए उनका स्वागत एवं आभार। कृषि एवं संबद्ध सेक्टर के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार के संबंधित विभागों के बजट 2021-22 की नवीन महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति की चर्चा हेतु आयोजित वेबिनार में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्य मंत्रीगण, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, विचाराधीन विषय के विशेषज्ञों, FPO एवं उद्योग के प्रतिनिधिगण की उपस्थिति के लिए मैं उनका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन हेतु अनुरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आपके सुझावों की इस वर्ष के बजट में बहुत अहम भूमिका रही है और आपने भी जब बजट देखा होगा तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि आपके सुझावों को, आपके विचारों को इसमें समाविष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया है। वो काम तो हो गया, अब जो आज का ये संवाद है, ये संवाद कृषि सुधारों और बजट के प्रावधानों को हम आगे बढ़ाएं, तेजी से आगे बढ़ाएं, लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचे, निश्चित समय सीमा में करें और बड़ी एफिशिएंसी के साथ करें और फिर भी सबको जोड़ करके करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का परफेक्ट नमूना, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट नमूना, ऐसा हम आज की चर्चा से निकालना चाहते हैं। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी आज हमें उनके विचारों का भी लाभ मिलने वाला है और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बजट में कृषि के लिए जो किया गया है उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप इन सारी बातों से परिचित हैं। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1,000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है।
इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है, आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। साथियों, अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इतने दशकों में उसने प्रोसेसिंग का बहुत विस्तार किया है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है। किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले, खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के करें। और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रोबेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना कैसे हमारे उत्पादकों को, हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर है में से एक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस्ड फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है।
ये स्थिति हमें बदलनी होगी। साथियों, इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फल सब्जियां हो, सी फूड हो, मोजारेला चीज हो, ऐसे अनेक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साथियों, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1,00,000 मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। साथियों, देश भर के जिलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए ट्रस्टर्स बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसी तरह आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम के तहत लाखों छोटी फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मदद की जा रही है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूनिट्स लगाने तक आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए। देश के छोटे किसान ट्रैक्टर, पराली वाली मशीनें या फिर दूसरी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत, सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है? आज जब हवाई जहाज तक एयरलाइंस को घंटों के आधार पर किराए पर मिल जाते हैं, तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार देश में किया जा सकता है। किसान की उपज मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रक एग्रीगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था। इसका विस्तार खेत से मंडी या फैक्ट्रियों तक, खेत से किसान रेल तक, ये कैसे हो सके, इस पर हमें काम करना होगा। खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉयल टेस्टिंग का है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। अब हमें देश में सॉयल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव गांव तक पहुंचानी है। जैसे ब्लड टेस्टिंग की लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी लैब होती हैं, उनका एक नेटवर्क होता है, वैसे ही हमें सॉयल टेस्टिंग के लिए भी करना है। और उसमें प्राइवेट पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ सकती है। और एक बार सॉयल टेस्टिंग का नेटवर्क बन जाए और किसान को सॉइल टेस्टिंग की आदत हो जाए, उसके अपने खेत की जमीन की सेहत कैसी है, उस जमीन के प्रति उसके अंदर जागरूकता आएगी, तो उसके सारे निर्णयों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देश के किसान को जितना ज्यादा अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पता रहेगा, उतना ही अच्छे तरीके से
वो फसल के उत्पादन पर प्रभाव पैदा करेगा। साथियों, एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। R&D की जब बात आती है तो सिर्फ बीज तक ही सीमित नहीं, बल्कि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहे। ऑर्गेनिक फूड से लेकर सलाद से जुड़ी सब्जियों तक ऐसी अनेक फसलें हैं जो हम आजमा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूंगा। मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है। ये कम पानी में भी बेहतरीन उपज देते हैं। मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, सीवीड और बी वैक्स, आज हनी का हमारे यहां धीरे धीरे फैला हो रहा है और किसान भी हनी बी की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में समुद्री तट पर सी वीड और बाकी क्षेत्रों में हनी बी और फिर बी वैक्स, इसके मार्केट को टैप करना भी समय की जरूरत है। सी वीड की फार्मिंग के लिए देश में बहुत संभावना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन हमारे पास है। सी वीड से हमारे मछुआरों को आमदनी का एक बड़ा माध्यम मिलेगा। इसी तरह हम शहद के व्यापार में तो बेहतर कर रहे हैं, हमें बी वैक्स की लेकर भी अपनी भागीदारी और बढ़ानी है। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इस पर भी आज जब दिन भर आप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो जरूर अच्छी अच्छी बातें उभर करके आएगी। जब प्राइवेट सेक्टर की ये भागीदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। साथियों, देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है, और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते होगा। ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। किसानों को ऋण, बीज, खाद और बाजार, ये किसान की प्राथमिक जरूरत तो है ही, जो उसे समय पर चाहिए। बीते वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा हमने छोटे से छोटे किसानों तक, पशुपालक और मछुआरों तक
उसको बढ़ाया है, उसका विस्तार किया है। हमने अभियान चलाकर पिछले एक साल में 1,80,00,000 से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। क्रेडिट का प्रावधान भी 6-7 साल पहले की तुलना में 2 गुने से ज्यादा किया गया है। ये क्रेडिट किसानों तक समय पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग में भी आपकी भूमिका अहम है। 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा फंड का इंप्लीमेंटेशन भी उत्साहवर्धक है। इस कदम से खरीद से लेकर स्टोरेज तक की पूरी चेन के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में तो देश भर के एपीएमसी को भी इस फंड का लाभ देने का फैसला किया गया है। देश में जो 10,000 एफपीओ बनाने जा रहे हैं, इससे एक बहुत ही सशक्त कोऑपरेटिव की व्यवस्था बन रही है। साथियों, इन संगठित प्रयासों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे जुड़े आपके सुझाव बहुत अहम है। इस क्षेत्र में आपका एक अनुभव है, आपका एक विजन है। सरकार की सोच, सरकार का विजन, सरकार की व्यवस्था, आपकी शक्ति, ये हमें मिला करके देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। इस संवाद के दौरान आप जो भी सुझाव भारत की कृषि के लिए, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी तरफ से जो भी विचार आएंगे, उनसे सरकार को बहुत मदद मिलेगी। आपके क्या प्लान है, सरकार और आप सभी साथ मिलकर कैसे चलेंगे, इस पर आप सभी खुले मन से चर्चा करें। आपके मन में जो विचार है जरूर दीजिए। हाँ, आपको लगता है कि बजट में ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, तो कोई ये आखिरी बजट नहीं है। इसके बाद भी कई बजट हम लेकर के आने ही वाले हैं। आप लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो हम करते रहेंगे। इस बार तो जो बजट में आया है, उसको आने वाले एक साल में कैसे लागू करना, जल्दी से जल्दी लागू करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना, इसी पर आज का संवाद फोकस रहेगा, केंद्रित रहेगा। बहुत लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी एक खुले मन की चर्चा हमारे खेतों को, हमारे किसान को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को, हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन के क्षेत्र को बहुत बड़ी ताकत देगी। फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।